हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ हमारे आर साइलेंट लव का। इससे पहले मैंने आवर नोना बेबी का पार्ट जो है नेक्स्ट शुरू कर दिया था, मतलब अपलोड कर दिया था। तो जिन लोगों को वो स्टोरी लाइन अच्छी लगी वो जाके उसे सुन ले, और जिन लोगों को वो स्टोरी लाइन नहीं अच्छी लग रही वो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जो हमारा विंग था ना, वो जब लेंचेटन उसे घर भेज देते हैं, तो उसके बाद जब वो अपने घर आता है तो विंग जो था वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लवांग जी बिना कुछ कहे उसे घर छोड़ देगा। हालांकि लेंचेटन ने उसे आश्वासन दिया था, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं मान नहीं रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वांगची उसे कैसे ऐसे छोड़ सकता है, जबकि उसने अपनी फर्स्ट किस भी वांगची के साथ शेयर की है और वो लोग अपने रिलेशन में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा होता है। वो जो था, वो जैसे ही अपने घर में आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो अपने घर की तरफ जैसे ही बढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि हॉल रूम में उसका इंतज़ार जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं, वो उसकी शिजे, उसका ब्रदर जंगचा, और यहाँ पर जो उसकी मदर है मैडम यू, वो भी कर रहे थे। तभी सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। विंग जैसे ही अपने अंकल को देखता है, उसके अंकल कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें मारा या किसी ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, सब ठीक तो है ना विंग। विंग उन्हें डम फाउंडेडली देख रहा होता है और कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, वो इशारों में बोलता है। तभी उसके अंकल उसका चेहरा पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो। विंग उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था कि लवांगची ने अचानक उसे घर से क्यों निकाल दिया। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे ह्यूमिलेट भी फील हो रहा था, जिस तरह से वांगची ने उसे 2 सेकंड में अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। यहाँ पर जियांग फेमिया को लगता है शायद वांगची ने विंग के साथ कुछ गलत किया है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ के पूछते हैं और उसकी बॉडी को चेक करने लगते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। विंग जो है सिर्फ हिलाकर मना करता है और कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ। तभी उसकी शिजस सामने आती हैं और पूछती हैं, विंग क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना विंग, विंग प्लीज़ बताओ, अपनी शिजे को नहीं बताओगे तुम्हें मेरी कसम। कसम वर्ड सुनते ही विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो कहता है, शिजे, वो इशारों में सबके सामने बोल देता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। उसकी शिजे जो थी वो पूछती हैं, किससे। तभी जियांग फेमिया समझ आता है कि विंग किसका नाम लेने लगा है। तभी वो ज़ोर से बोलते हैं, क्या वो लवांगची है, वो गैंगस्टर, वो इंसान जो लोगों को मारता है, वही उस निर्दय से तुम्हें प्यार हुआ है विंग। विंग अपने अंकल की तरफ देखने लगता है और पलके झपकाने लगता है कि उसके अंकल ये क्या बोल रहे हैं, और वांगजी किसी का खून क्यों करेगा, वांगजी तो इतना अच्छा है, वांगजी तो विंग के लिए कितना कुछ कर रहा है, तो उसके अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उसके अंकल जो हैं ज़ोर से विंग का हाथ पकड़ते हैं, उसे शोल्डर से पकड़ के झिझोड़ देते हैं और कहते हैं, खबरदार जो आज के बाद तुमने उस वांगची से मिलने की कोशिश भी की, मुझे नहीं पता था मेरी नाक के नीचे से तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, मुझे सपने में भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं होते, तुम्हारी चीज़ें बाहर गई होती हैं, जंगछा बाहर गया होता है, तो तुम उस गैंगस्टर से मिलकर उसके साथ घुड़छर्रे उड़ा रहे थे। विंग विंग वो इंसान अच्छा नहीं है और मैं नहीं चाहता तुम जैसा इनोसेंट इंसान कहीं भी एक गलत इंसान के हाथ पड़ जाए। तुम्हारे माता पिता को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, तुम कहाँ काम करते हो। विंग डर के मारे बोल देता है कि मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, मेरी जो एग्जीबिशन गैलरी है वो सब चीज़ें उन्होंने ही की हैं। तभी जियांग फेमिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, तुमने एक शॉप चलाने शुरू कर दी और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। यह लवांगजी का नाम आते ही जंगछा का भी दिमाग जो है वो एकदम अलर्ट हो जाता है, क्योंकि लवांगजी का बड़ा ब्रदर लेंशिचेन ही तो वो इंसान है जिससे जंगछा प्यार करता है और बहुत बार अपनी हीट भी उसके साथ बिता चुका है। यहाँ पर जंगछा का भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि वो किससे प्यार करता है। और यहाँ पर जब वो देखता है कि विंग को कितनी फटकार लग रही है, तो यहाँ पर उसके भी फटके हाथ अब में आ जाती है कि अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताएगा कि वो भी और किसी से नहीं बल्कि उन गैंगस्टर के परिवार के सबसे बड़े बेटे से प्यार करता है। जंगछा के भी माथे से पसीने गिरने लगते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग को उसके अंकल ज़ोर से कहते हैं, आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड के घर भेज रहा हूँ। विंग जो है वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुम्हें चिंगे भेज रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर आए थे रुकने के लिए गुसू के अंदर, क्योंकि हम लोग युनमक से थे, लेकिन
तुमने हद पार कर दी विंग, तुमने सब चीज़ें झूठ बोली और तुम उन लेंस के साथ जाकर बिजनेस करने लग गए। उन लेंस ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है तुम पे जादू जो तुम पागल हो गए हो? तुमने ये भी सोचा है तुम्हारी कंडीशन क्या है? तुम बोल नहीं सकते। अगर कभी लवांगची ने तुम्हें जान से मार दिया तो, या उन लेंस ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुमने कभी ये भी नहीं बताया कि तुम उन लेंस के घर जाके रुकते थे। तुमने अपनी शिजे, अपने ब्रदर, किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हारे दोस्त यार कौन है। भी क्या बोलता कि उसके कभी शिजे या उसके ब्रदर ने उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। इवन वो लोग बाहर घूमने जाते थे तो वो विंग को लेके ही नहीं जाते थे। विंग यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता और वो अंकल को कहता है, अंकल मैं लवांगची से बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलता है उसके अंकल ज़ोर से विंग को घूर के देखते हैं और कहते हैं, खबरदार जो तुमने आज के बाद ये मुंह से भी निकाला उस लवांगची को भूल जाना। मैं आज ही तुम्हें चंगे के अपने एक दोस्त हैं नीमुंगजे उनके पास भेज रहा हूँ। तुम आज के बाद यहाँ दिखोगे भी नहीं। चलो फटाफट से यानली इसका बैग पैक करो, यह आज के आज ही यहाँ से जाएगा। विंग जो है वो ज़िद करने लगता है। तभी जियांग फेंग मियां कहते हैं, अगर तुम आज के आज यहाँ से नहीं जाओगे तो याद रखना तुम मेरा मरा फेस देखोगे। ये बात सुनने के बाद मैडम यू भी चौंक जाती हैं और वो कहती हैं, फेंग मियां। तभी वो कहते हैं, नहीं अगर ये इंसान, अगर इसे उस वांगची से बहुत प्यार है तो ठीक है, मेरे मौत के बाद ये उससे जाके शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके फादर वी चांग से और इसकी मदर को हमेशा कहा था कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसकी जान को अपने जीते जी खतरे में नहीं डाल सकता। और अगर इसे वो लवांगची इतना प्यारा है, वो गैंगस्टर इतना प्यारा है, तो ठीक है अपने अडॉप्टिव फादर को ये मरने के लिए छोड़ दे, ठीक है मैं मर जाता हूँ। और जियांग फेंग मियां जो है वो गुस्से से अपने रूम की तरफ जाते हैं। विंग डर जाता है, झंझा भी चलाता है, डैड डैड, ज्ञानली भी ज़ोर से चलाती है, पापा प्लीज़ कहाँ जा रहे हैं आप? और मैडम यू भी, जियांग फेंग मियां ज़ोर से अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। यहाँ पर वो अंदर आने के बाद घबरा रहा होता है कि क्या विंग जो है वो उसे मरने देगा या फिर विंग उनकी बातों में आ जाएगा। यहाँ पर जियांग फेंग मियां विंग को बस डराना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे विंग बहुत इनोसेंट है और लैन फैमिली उसके लिए ठीक नहीं है। अगर लैन फैमिली ने विंग का फ़ायदा उठाना चाहा कल को जियांग्स को पागल बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए मजबूर करने के लिए, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो लंजा की यानी कि लवांगची की पहुंच से बहुत दूर विंग को भेजना चाहते थे। विंग जो कि पैनिक हो गया था, विंग एकदम से अपने दरवाजे पे हाथ मारने लगता है और वो शिजे को कहता है, जैसा जैसा फादर कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें बोलो। तभी यानली चिल्लाती है, फादर विंग तैयार है प्लीज़। तभी जियांग फेंग मियां वो डोर को खुशी खुशी खोल देता है, लेकिन वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं होने देता, अपने चेहरे पर एक भी रिफ्लेक्शन नहीं लाता, बल्कि वो एक सैड मतलब फेस लाकर विंग का वो दरवाज़ा खोल के अपने कमरे का विंग के पास जाता है और वो फटाफट से विंग को कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे अपना फ़ोन दो। वो विंग का फ़ोन लेता है और वहीं पे विंग के सामने उस फ़ोन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। वो विंग के पूरे फ़ोन को बुरी तरह से अपने पैरों से मार मार के तोड़ देता है ताकि वो वांगची से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। ये देखने के बाद विंग के आंखों से आंसू आ रहे थे। तो जियांग फेंग मियां कहते हैं, याद रखना अगर तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे विंग। तुम अपने पेरेंट्स को खो चुके हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अडॉप्टिव फादर भी अब मर जाए और उसके बाद मेरे बच्चे जब अनाथ होंगे तो उसका दोष किसी और पे नहीं तुम पे आएगा? ये सुनने के बाद विंग हाथ जोड़कर अपने अंकल से कहता है, नहीं मैं कभी नहीं चाहता आपको कुछ हो, आपने मुझे पाला है पोसा है, जब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तब अंकल आपने मेरा साथ दिया था और मैं ये काइंडनेस कभी नहीं भूल सकता। मैं लवांगची को कभी नहीं देखूंगा। उसके फादर उसे प्रॉमिस लेते हैं कि लाइफ में कभी भी तुम्हें लवांगची दिखे तो तुम उससे बात नहीं करोगे, उसे देख के मुंह मोड़ लोगे और कभी उसे कॉन्टैक्ट नहीं करने की कोशिश करोगे। मुझे प्रॉमिस करो अभी की अभी विंग, वरना वो ज़ोर से पास में एक वास्क रखा होता है उसे ज़मीन पर फेंक के तोड़ देते हैं और उसका पॉइंटेड चीज़ें यानी कि चुभने वाली चीज़ों को अपने गले पे रख लेते हैं और कहते हैं, मुझे प्रॉमिस करो विंग अभी के अभी कि तुम वांगजी से लाइफ में कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, वरना तुम अभी मेरा मरा मुंह देखोगे और जियांग यानली और चंगछा के अनाथ होने के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा रीज़न होगा। मैडम यू कहती हैं, विंग प्रॉमिस करो फेंग मियां, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, जब से तुम्हें देखा था मैं तुमसे प्यार करती थी, और अगर तुमने विंग के लिए अपनी जान दे दी तो याद रखना
मैं भी अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे बढ़कर कोई भी चीज़ प्यारी नहीं। मेरे बच्चे मुझे प्यारे हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सीन देखने के बाद विंग डर जाता है और वो मन में सोचता है कि क्या मेरी एक सेल्फिश रीज़न की वजह से कि मैं लंजा से प्यार करता हूँ, मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा जिन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा, घर में छत दी, खाने को खाना दिया और पहनने को कपड़े दिए। क्या मैं उनसे दगा करके अपनी ज़िंदगी खुशहाली से निभा पाऊंगा? तभी विंग कहता है, नहीं अंकल, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी लवांग जी से नहीं मिलूंगा और मैं कभी भी लवांग जी से कोई कॉन्टैक्ट रखने की कोशिश नहीं करूँगा। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे जीऊँगा, आप जैसा रहना चाहते हैं मैं वही करूँगा। प्लीज़ अंकल, अपने आप को कोई नुकसान मत पहुँचाइएगा। प्लीज़, आप मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं। बचपन से मेरे मदर फादर गुजरने के बाद आपने ही मेरा ख्याल रखा, और शिजय और जंगछा को मैं कभी भी अनाथ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं वो ये सारी चीज़ें हैंड गेस्चर से बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ अनाथ होना कैसा होता है और जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसके दिल पे क्या बीतती है और समाज उसे किस नज़रों से देखता है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि जंगछा और शिजे उस चीज़ से गुजरें, और वो रो रो के बोलता है। तभी अंकल जो फेंग में होते हैं वो एक साइड उस नुकीले पॉइंटेड जो गुलदस्ता होता है उसकी चीज़ को फेंक के कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम कभी भी मुझे निराश नहीं करोगे। विंग, मैं जानता हूँ तुम बहुत इनोसेंट हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं चाहता कि तुम नुकसान में जाओ। मैं तुम्हारी मदर फादर को मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? वैसे भी उनके जाने के शौक से तुम बोलना तक भूल गए हो। विंग, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जाए जिसके बाद मैं उन्हें कभी मुँह ना दिखा पाऊँ। प्लीज़, मैं मरने के बाद कभी भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जब भी फेस करूं तो मेरा शर्मिंदगी से चेहरा नीचे झुका हो। प्लीज़ विंग, इतना कर दो। और विंग का फ़ोन तो वैसे भी टूट चुका था, विंग को लंजा का नंबर तक याद नहीं था, ना ही कोई ईमेल या आईडी वगैरह उसे याद थी। वो चुपचाप वहाँ से उठता है। शिजे जो थी वो विंग के जितने भी कपड़े होती हैं वो पैक करती हैं। विंग का दिल कहीं नहीं लग रहा था। शिजे जो है वो विंग को सारी चीज़ें पैक करने में मदद करती हैं। विंग जो चुपचाप वहाँ गुमसुम सा बैठा हुआ था वो बहुत रो रहा होता है, क्योंकि अब लवांगची से वो कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो अपनी फैमिली को तोड़कर, अपने माँ बाप को मारकर, यानी कि जो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उन्हें मारकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपना घर बसा सकता है, यही सोच के विंग जो है वो अपने आंसू पोंछता है और चिंगे जाने की तैयारी करता है। चियांग फेमिया नी विंगजू को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि जो मेरा एडॉप्टिव सन है वो तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने शहर में चिंगे में अच्छे से अपने घर में रखो, उसके रहन सहन का जितना खर्चा होगा वो मैं पे करूँगा, और तो और विंग वहाँ पर जो करना चाहता है उसे करने देना, लेकिन एक इंसान है जिससे तुम्हें उसे कॉन्टैक्ट नहीं करने देना। वो इंसान और कोई नहीं, लैन फैमिली का मेंबर है। और नी मिंगजू जानते थे कि लैन फैमिली कितनी बड़ी गैंगस्टर फैमिली है और उन सबका बिजनेस किस तरह से दो नंबर का चलता है। तो वो कहते हैं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो फेंगमिया, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर अच्छे से ख्याल रख लूँगा। और यहाँ तक कि मेरा जो ब्रदर है नी हुए सिंह, वो बचपन से ही विंग को जानता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग यहाँ आएगा तो, बल्कि अच्छा ही है। जो हमारा होयसेंग है उसे भी विंग अपनी तरह कुछ अच्छी चीज़ें ही सिखाएगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है और मैं जानता हूँ कि विंग के साथ रहकर होयसेंग कभी भी बिगड़ नहीं सकता। वैसे भी मेरा ब्रदर आजकल अपने मन की बहुत सारी चीज़ें करता है बिना मुझे कुछ बताए, तो अच्छा ही है, विंग के आने से उसकी बहुत सारी हरकतें सुधर जाएंगी। यंग फेमिया कहता है, कुछ भी हो जाए उसे लैन से कॉन्टैक्ट मत करने देना, मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी उसका फ़ोन हो वो पोस्टपेड हो, ताकि जिस भी नंबर पर वो कॉल करे बिलिंग में वो सारी चीज़ें आ जाएँ, यहाँ तक कि वो जो भी इंटरनेट चीज़ें यूज़ करे, मैं चाहता हूँ तुम हर चीज़ को टैप करके रखो कि उसे लैन फैमिली से कहीं से भी कॉन्टैक्ट करने को ना मिले। ये बोलने के बाद नी मिंगजू कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे फेंगमिया, विंग एडल्ट है। तो वो कहते हैं, हाँ, वो सिर्फ 18 साल का है और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे बचपने में आके कोई ऐसी गलती कर दे जिसके बाद वो ज़िंदगी भर बचता है। जब विंग आज से 10 साल बाद 28 का हो जाएगा तो उसे समझ आएगा कि मैंने वो जो भी किया वो उसके बचपने को सुधारने के लिए किया, वो अभी बहुत छोटा है। नी मिंगजू, मैं नहीं चाहता ऐसे टाइम में, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं और विंग कोई ऐसी गलती कर दे जिसके बाद ज़िंदगी भर उसे पछतावा हो कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया था, और ज़िंदगी भर वो सिर्फ रिग्रेट में
टाइम बिताएं, जैसे कि तुम जानते हो मुझे कितना रिग्रेट है जो विंग के पेरेंट्स से उनकी डेथ हो गई और मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नहीं भी जो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ रिग्रेट इंसान को कितना तोड़ देता है, इसलिए मैं नहीं चाहता विंग भी कभी ऐसा कोई रिग्रेट करे। तो डोंट वरी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, और ये मैं तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि विंग के फ्यूचर के लिए भी करना चाहता हूँ। नीमिंग जो कहते हैं डोंट वरी, मैं उसे एक पोस्टपेड है नंबर ही दूंगा, मैं उसे प्रीपेड नंबर नहीं दूंगा। पोस्टपेड में सारी कॉल डिटेल्स आ जाती हैं, आपने किससे बात की, कितनी देर बात की और सब चीज़ें आ गई। जियांगफेंग में जो है वो पीछे के अपने घर के बैक गेट से विंग को एक गाड़ी बुक करते हैं और अपने साथ चिंगे के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर चिंगे में जाने के लिए विंग के साथ और कोई नहीं, जियांगफेंगमिया और चंगछा भी जाता है। जियांगफेंगमिया आगे बैठे होते हैं, विंग पीछे बैठा होता है और चंगछा भी बैठा होता है। जियांगफेंगमिया जो थे वो विंग को जब वहाँ से लेके जा रहे थे तो वो विंग को चेहरा ढकने के लिए और कैप पहनने के लिए कह देते हैं, ताकि कोई भी लैन फैमिली से कोई भी इंसान उनका पीछा ना कर सके और उन्हें कभी ये ना पता चले कि जियांगफेंगमिया अगर निकले हैं तो उनके साथ विंग भी गाड़ी से जा रहा है। तो वो विंग का फेस मास्क से फेस कवर कर देते हैं, चेहरे पे उसे गॉगल्स लगा देते हैं और एक कैप पहना देते हैं। विंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था और वह अपने अंकल के खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। विंग का आधे से ज़्यादा सामान पैक हो चुका था और जो बाकी का सामान था वो जियांगफेंगमिया ने कहा था कि हम आपको बाद में तुम्हारा जितना भी सामान है वो मैं पहुंचा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मैंने निमंगजू को कह दिया है तुम जो भी करना चाहो वहाँ जाकर तुम क्लासेस भी ले सकते हो। ये जगह वैसे भी सेफ नहीं थी, यहाँ गैंग वॉर होती रहती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी जगह रहो। चिंगे बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम वहाँ जाके रुक सकते हो, रह सकते हो और वहाँ पे लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जाओ अपनी ज़िंदगी जियो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैंने उसे कह दिया है वो तुम्हें आगे पियानो क्लासेस के लिए भेज देगा। तुम्हें पियानो सुनना बहुत पसंद है, बजाना बहुत पसंद है ना, तुम आज के बाद पियानो की फील्ड में जा सकते हो। और मैंने वहाँ की पेंटिंग क्लासेस में भी निमिंगजू को कह दी, उसका ब्रदर जाके पता कराएगा, जितनी भी अच्छी अच्छी पेंटिंग क्लासेस होंगी तुम उसे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। विंग कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सर हिला देता है। विंग क्या बोल सकता था? और जियांगफेंगमिया वो मन ही मन सोच रहा था कि बस कुछ भी हो जाए, लैंसेट के कोई भी इंसान इसके पास नहीं आना चाहिए। यहाँ जब शिचेन विंग को उसके घर छोड़ के आ जाता है तब लवांगची बहुत ही बेचैन बैठा होता है और लवांगची को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने ब्रदर से कहता है विंग ठीक तो है ना, तो उसका ब्रदर बताते हैं कि नहीं, विंग काफ़ी रो रहा था, उसे बहुत दुख लगा है कि तुमने इस तरह से उसे अबैंडन कर दिया और तुमने उसे घर से जाने के लिए कह दिया, तुम्हें ऐसा क्यों किया। तब वो अपने ब्रदर को कहता है कि जो विंग है ना वो उसके फादर को पता चल गया, जियांगफेंगमिया उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैंने विंग को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी हामी भर दी है, लेकिन आप तो जानते हैं ना ब्रदर कि वो जो प्रोजेक्ट था वो अंकल चिरन के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं विंग को जो है वो कभी भी अपने पास बांध के नहीं रखूँगा, और बस इसलिए मैंने उनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए विंग को हामी भर दी है और मैंने विंग को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। बट डोंट वरी ब्रदर, मैं बहुत जल्दी विंग को अपने पास ले आऊँगा, जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं जियांगफेंगमिया से वैसे भी नहीं डरता और मैं विंग को अपने पास बुला लूँगा, बस कुछ दिन की बात है, विंग को कुछ दिन ही तो सहना होगा। तभी जो लैन शिचन होते हैं वो कहते हैं वांग जी विंग बहुत ज़्यादा दुखी था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम उसे बता देना चाहिए था कि तुम क्या करना चाहते हो या क्या सोच रहे हो। मुझे डर है जो विंग है उसके अंकल जो हैं अडॉप्टिव फादर जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और वो मुझे नहीं लगता विंग को तुमसे अब कभी मिलने भी देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लंजा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी विंग का जो ऑफिस है जब वो वहाँ काम के लिए जाएगा तो मैं विंग से वहाँ मिल लिया करूँगा। ब्रदर आपको चिल रहने की ज़रूरत है, मैं विंग से मिलने के अपने आप तरीके निकाल लूँगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों विंग अपने ऑफिस तो आएगा ना, तो बस मैं उससे वहीं मिल लूँगा। बस मुझे डर है कि विंग मुझे नाराज़ ना हो जाए। एक्चुअली क्या है ना, मुझे वो नोना मोना बोना शोना कहकर मनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ। तो उसका ब्रदर हंसता है और कहता है
अब देखो वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हें उसे मनाना भी चाहिए, तुम उसके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट ले जाना। एक्चुअली ओमेगास को और गर्ल्स को गिफ्ट काफ़ी पसंद आते हैं, अगर तुम एक अपोलोजी करके एक अच्छा सा गिफ्ट दे दोगे तो वो वैसे भी मान जाएगा। और वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा नखरे वाला नहीं है। लवंग जी कहता है ओह तो आपको प्यार के बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं, क्या आपको भी कोई पसंद है? तब लेंशिचन कुछ नहीं बोलते तो लवंग जी टांग खींचने लगता है कि क्या वो भी विंग की तरह क्यूट है? उफ़ बताओ ना ब्रदर। तभी उसका ब्रदर कुछ नहीं बोलता और कहता है मुझे थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ यहाँ से। और लेंशिचन बहाना मार के वहाँ से निकल जाते हैं और लवंग जी स्माइल करता है और कहता है उफ़ ओ ब्रदर, आप आज भी शर्माते हैं और बताने से डरते हैं, क्या होगा आपका? बस वो ऐसे ही बोलता है। और गाइस ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में विंग को जब चिंगे भेज दिया जाएगा तो उसकी लाइफ कैसे होगी, लवंग जी कैसे विंग को ढूंढ पाएगा। और विंग जो है वो अपने अंकल को वचन दे चुका था कि वो वांग जी से नहीं मिलेगा, तो क्या वो सच में नहीं मिलेगा? क्या वांग जी उसके सामने कभी आ गया तो विंग उससे बात नहीं करेगा? देखने के लिए आगे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। और नोना बेबी का जो पार्ट नेक्स्ट पार्ट था वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसे भी जाके आप सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।